मतदाता का परसेंटेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग वोट के लिए ललायत है और सब लोग इस चीज़ के लिए ललायत है कि देश को एक अच्छी, मजबूत, सशक्त और काम करने वाली सरकार। दूसरा एक चीज़ हो रहा है कि लास्ट टाइम जितने वोटों से आपकी जीत हुई थी, इस बार उम्मीद है कि ऐसा कुछ गठबंधन? वो मैं आपको शाम को बता दूँ। सर गठबंधन पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, एक मिनट, उसमें क्या कहना है भाई, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जो आपस में नहीं मिलते, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो मजबूरी और लाचारी में इकट्ठे हो जाए, उसमें कुछ नहीं कहना। सर कांग्रेस पे क्या सर निशान दिखा दीजिए। जितना कम बोला जाए उतना अच्छा होगा। सर मैनिफेस्टो में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर पर क्या ले जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राम मंदिर की बात करते रहे, और जिस दिन रामचंद्र जी चाहेंगे, सर 2014 के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर था। मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन राम जी चाहेंगे, जैसे राम जी ने जब चाहा तो रामलला प्रकट हो गए, वैसे जिस दिन राम जी चाहेंगे मंदिर बन जाए। अली बनाम बजरंगी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ को हम लोग एक अलग दिशा में ले जाते हैं। मुद्दा सिर्फ ये था कि एक नेत्री जो है हमारी बहुत बड़ी, मायावती जी, उन्होंने कहा कि सब मुसलमान उनको वोट दें, और जब मुसलमानों का अगर हमको वोट आएगा तो हम जीत जाएंगे। एक गलत धारणा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा कि आप सिर्फ अली का ही सहारा लेके जीतने की कोशिश कर रहे हो, हमारा रखवाला तो बजरंगबली है, इसमें क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है गाजियाबाद की जनता की। आखिरी सवाल मत पूछना भैया, मेरे को डर लगता है। गाजियाबाद की जनता की एक आखिरी सवाल है कि जनरल वी के सिंह मिलते नहीं, दिल्ली रहते हैं, आपसे मिल रहा हूँ ना, मैं यहीं पे मिलता हूँ, मेरे को जिसको मिलना होता है वो आ जाता है।